अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। सो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एसक्यूएल सर्वर 2000 को हम विंडोज़ 10 में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम है जो कि बहुत से लोगों को फेस करना पड़ता है। तो चलिए आते हैं, हम देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या आती है और फिर इसको हम रिजोल्व कैसे करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर 2000 पड़ा है और मैं इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक एरर आता है कि सेटअप इनिशियलाइजेशन एरर। तो अब हम इसको करते हैं सॉर्ट आउट कि कैसे इसको ख़त्म करेंगे। तो चलिए, इसमें आपने ऐसा करना है कि सर्विस पैक 4 जो है एसक्यूएल सर्वर का, वो डाउनलोड कर लेना है इंटरनेट से। तो सबसे पहला काम है वो ये कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर का जो फोल्डर है इसको कॉपी करना है और सी ड्राइव के अंदर, ठीक है, हमारा जो प्रोग्राम फाइल्स हैं हमने वहाँ पे इसको रखना है। अगर आपके पास विंडोज़ 32 है, 32 बिट है, तो आपने इसको प्रोग्राम फाइल्स के अंदर रखना है। और अगर आपके पास 64 बिट्स है, तो आपने प्रोग्राम फाइल्स x86 के अंदर जाके इसको पेस्ट कर देना है। ओके, तो ये हमारा काम हो गया पेस्टिंग वाला। अब नेक्स्ट क्या करना है कि एसक्यूएल सर्वर जो आपका जिस फोल्डर में है वहाँ पर जाना है, और x86 के फोल्डर में, सेटअप के फोल्डर में हम जाएंगे। और यहाँ पर एक हमारे पास फाइल है सेटअप एसक्यूएल, ठीक है, डॉट exe फाइल है। एक्चुअली आपके पास सामने डिस्क्रिप्शन में अगर आप व्यू चेंज करके देखेंगे तो आ जाएगा एप्लीकेशन। तो इस पे आपने राइट क्लिक करना है एंड देन प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद कंपेटेबिलिटी में आएंगे और यहाँ पे हमारे पास है रन दिस प्रोग्राम इन कंपेटेबिलिटी मोड, ठीक है। आगे फॉर आपको विंडोज एक्सपी है और जो भी है, सो ऐसे रहने देना है। एंड नेक्स्ट आपने जो करना है वो है रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, इस पर चेक कर देना है एंड देन जस्ट क्लिक ऑन ओके। ओके, अब हमारी जो सेटिंग्स है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम इसको जस्ट रन करते हैं यहाँ से। तो देखते हैं हमारा सेटअप इंस्टॉलर जो है वो ओके। सो ये रन हो चुका है। सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा प्रिपरेशन करने के लिए, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं। एंड हमारी इंस्टॉलेशन रेडी है, तो जस्ट हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। लोकल कंप्यूटर, ठीक है, आपके पीसी का जो नाम है वो यहाँ पे आएगा। हम नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ एसक्यूएल सर्वर एंड देन नेक्स्ट। कि यहाँ पे आपने जो है इसका नेम जो है वो MIK सर्विसेज, जैसे हमारा MIK आपका कुछ भी हो सकता है, आप देख सकते हैं कंपनी नेम, देन जस्ट नेक्स्ट एंड देन येस के। तो यहाँ पे हमने जो हमारा सर्वर एंड क्लाइंट टूल्स है इस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट, ओके, सो डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस हमारी रहनी चाहिए। हम इंस्टेंस नेम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से करेंगे, नहीं तो मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस को चेक करता हूँ। नेक्स्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास हमने प्रोग्राम फाइल्स के लिए और डाटा फाइल्स के लिए डायरेक्टरीज सेट करना चाहें तो करें, नहीं तो डिफ़ॉल्ट जो इसकी सेटिंग में है वो ही होंगे। अगर आप चेंज करना चाहते हैं स्पेशली डाटा फाइल्स, क्योंकि आपका एसक्यूएल सर्वर पे डेटाबेसेस होते हैं, उनका आप बैकअप आप चाहते हैं कि सी के अलावा कहीं और जाके बने, ताकि आपके विंडो वगैरह अगर आपकी ख़राब हो भी जाती है तो आपके पास ये फाइल्स मौजूद रहें, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। बहरहाल मैं अभी चेंज नहीं करने वाला, देन जस्ट नेक्स्ट, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम यूज़ लोकल सिस्टम अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, एंड देन नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ आप विंडोज़ ऑथेंटिकेशन मोड यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मिक्स्ड मोड, ठीक है, विंडोज़ ऑथेंटिकेशन एंड एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन को यूज़ करने वाला हूँ। और यहाँ हम क्या करेंगे, अपना कोई भी पासवर्ड डाल देंगे। तो पासवर्ड मैं डाल देता हूँ अपना सिस्टम के लिए, जो कि मैं बताने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। ओके, एंड देन नेक्स्ट एंड अगेन नेक्स्ट। सो हमारी जो है इंस्टॉलेशन अभी स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ी सी जो है वो अपनी सेटिंग करेगा या कुछ भी फाइल लोड करनी है, प्रिपरेशन के बाद हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। सो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं तब तक ये हमारी इंस्टॉलेशन रेडी हो जाए, फिर नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं क्या करते हैं। ओके, सो हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है और फिर इस पे देखते हैं, हमारा कुछ टाइम लगेगा। तब तक मैं दोबारा वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि वीडियो की जो लेंथ है वो ज़्यादा ना हो जाए। तो वंस ये कंप्लीट हो जाएगी फिर नेक्स्ट हम इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं।
ओके सो हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, फिनिश पे क्लिक करते हैं। ओके सो नेक्स्ट हमारा जो काम है वो है, हमने एसक्यूएल सर्वर का जो है सर्विस पैक 4 इंस्टॉल करना है, तो वो हम इसमें आते हैं और यहाँ सेटअप हमारे पास मौजूद है, इसको रन करते हैं। ठीक है, और फिर सेम हमारे पास एरर है, इसको भी सेम तरीका है, आपने x86 में जाना है, सेटअप में जाना है, और यहाँ से जो हमारे पास फाइल है सेटअप SQL, इसको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाके कंपैटिबिलिटी एंड रन दिस प्रोग्राम इन कंपैटिबिलिटी मोड और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, इसको चेक करके ओके कर दिया, दोबारा इसको रन करते हैं। ठीक है, हमारी जो इंस्टॉलेशन है इसकी भी स्टार्ट हो चुकी है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होता है। ओके सो हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है, नेक्स्ट करते हैं अगेन, यस सेम जो प्रीवियस हमने किया है, यहाँ पे आते हैं और पासवर्ड अपना टाइप करते हैं एंड देन नेक्स्ट। ये आपका पासवर्ड जो आपने प्रीवियसली इंस्टॉलेशन में लगाया था उसको वैलिडेट करेगा और फिर नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। ओके अब यहाँ हमने जो है सेलेक्ट करना है अपग्रेड माइक्रोसॉफ्ट सर्च एंड अप्लाई एसक्यूएल सर्वर, इस पर क्लिक करके एंड देन जस्ट कंटिन्यू करना है एंड देन ओके। और अगेन वेट करेंगे थोड़ा सा। ओके नेक्स्ट, ओके सो हमारी इंस्टॉलेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है और अगेन ये कुछ टाइम लेगी, तब तक मैं दोबारा वीडियो को पॉज करता हूँ ताकि वीडियो की लेंथ जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। सो चलिए हमारी इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट अब देखते हैं कि इसमें कोई एरर ना आए। तो अभी कुछ इसमें स्क्रिप्ट रन कर रहा है, आपकी ऑलमोस्ट 13 स्क्रिप्ट हैं, तो तब तक दोबारा से वीडियो को मैं पॉज करता हूँ। ओके सो हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है एंड देन फिनिश। सो अब हम आते हैं अपना एसक्यूएल सर्वर चेक करते हैं, आया इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो ये मौजूद है हमारा एसक्यूएल सर्वर 2000 और सर्विस मैनेजर में आ जाते हैं और यहाँ से आपने जो भी आपका पीसी का नेम है लिख के आपने जो सर्विसेज हैं उनको स्टार्ट कर लेना है, या फिर आप इसको सर्विसेज में जाएंगे और वहाँ पे एसक्यूएल की जो सर्वर है सर्विस है सॉरी, आप उसको स्टार्ट कर देंगे। सो वो भी देख लेते हैं कैसे होंगे। तो एक तो मेरे पास ये एसक्यूएल एजेंट है, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ एंड नेक्स्ट मेरे पास एमएस एसक्यूएल को सर्च करते हैं और ये मेरे पास सर्विस जो है वो रनिंग मोड में मौजूद है। और अब हम अपना जो है एसक्यूएल का मैनेजमेंट यूटिलिटी उसको ओपन करते हैं एसक्यूएल मैनेजर को और फिर इस पे देखते हैं कि आया ये स्टार्टेड है कि नहीं। ओके सो ये ओपन हो गया, इस पे मज़ीद हम आगे जाते हैं और डन। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास जो है एसक्यूएल में जो एंटरप्राइज मैनेजर है हमारा वो कनेक्ट हो चुका है एसक्यूएल सर्वर के साथ। यहाँ आप राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस बना सकते हैं और ABC कुछ भी, ठीक है, और उसमें आपने फर्दर जो काम करना है। तो ये था सोल्यूशन आपके प्रॉब्लम का, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।